हे गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। ये है डेली वोकैबुलरी सीरीज़, जहाँ पे हम 20 वर्ड्स करते हैं बैरन के 3500 वर्ड्स में से। आई एम नेहा कपलश एंड आई एम ए ट्यूटर इन दिस कोर्स। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ इन लेक्चर्स को रेट शेयर एंड रिव्यू करना ना भूलें। आप मेरे अन एकेडमी की प्रोफाइल को फॉलो करें, जिसका एड्रेस है ये, और मेरा यूज़र नेम है नेहा कपलश। ऐसा करने से आपको नए लेसन्स के बारे में इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाएगी। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जो मैंने नया बनाया है, इट इज़ नोन एज कपलश टॉक्स। ये एक नया चैनल है जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स की समरी डिस्कस की जाती है सिर्फ 6, 7 या 8 मिनट में, जहाँ पे आप पूरी बुक के बारे में आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है 8 या 7 या 8 मिनट में जान सकेंगे। सो प्लीज़ चेक इट आउट, आप इस नाम से सर्च करें। ये मेरा बैनर है। फर्स्ट वर्ड है इस लेसन का एडमोनिशन। अब ये एडमोनिश से ही वर्ड का नाउन फॉर्म बना है। एडमोनिश करना मतलब था किसी को वार्न करना, तो एडमोनिशन भी वही चीज़ हो गई, जब वो हो गई वार्निंग, राइट। जब आप किसी को वार्न करते हैं तो दैट मीन्स आप एडमोनिशन कर रहे हैं। आफ्टर द स्टूडेंट प्रेस्टर्स रिपीटेडली रिजेक्टेड चेयरमैन डेंग्स एडमोनिशंस, द गवर्नमेंट इशूड एन अल्टीमेटम, आइदर द स्टूडेंट्स वुड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन एट वंस और द सोल्जर्स वुड फायर ऑन द क्राउड। चेयरमैन डेंग की जो वार्निंग्स थी उनको रिजेक्ट जब कर दिया स्टूडेंट्स ने, तो उनको अल्टीमेटम मिला, यानी कि उनको उनको ये मतलब चेतावनी मिली कि या तो वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन बंद कर देंगे या तो सोल्जर्स उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे। एडॉन एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब डेकोरेट। जब आप किसी चीज़ को सजाते हैं दैट मीन्स आप उस चीज़ को अडॉन कर रहे हैं। जैसे कि जब आप अपने किसी जब आप अपने रूम को सजाते हैं, जब आप वहाँ पे डिफरेंट तस्वीरें लगाते हैं, डेकोरेशन के पीसेस लगाते हैं, दैट मींस यू आर अडॉर्निंग योर रूम। वॉल पेंटिंग्स एंड कार्व स्टैचूज अडॉर्न द टेंपल। अडॉर्नमेंट नाउन फॉर्म है। एड्रॉइट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब स्किलफुल। जब आप किसी काम में माहिर होते हैं दैट मीन्स यू आर एड्रॉइट इन दैट थिंग। ओके, आपके आप स्किल से भरे हुए हैं उस चीज़ में। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर, दैट मींस यू आर एड्रॉइट इन कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ। ओके, या फिर अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, दैट मींस यू आर एड्रॉइट इन फैशन वर्ल्ड, राइट। यू आर एड्रॉइट इन डिज़ाइनिंग फैशन क्लोथ्स। तो इसलिए एड्रॉइट मतलब स्किलफुल। हिज एड्रॉइट हैंडलिंग ऑफ द डेलिकेट सिचुएशन प्लीज्ड हिज एम्प्लॉयर्स। एड्यूलेशन नाउन फॉर्म है, इट मीन्स फ्लैटरी एंड एडमायरेशन। जब आप किसी की जिसको आप जब किसी की तारीफ करते हैं, इसका मतलब एड्यूलेशन होता है। एड्यूलेशन जब आप किसी को बोलते हैं कि थैंक यू तारीफ करने के लिए, आप उनको ये कह सकते हैं कि थैंक यू फॉर योर एड्यूलेशन। ओके, इसको फ्लैटरी में भी देखा जा सकता है। जब आप किसी को मस्का लगाते हैं तो उसको भी एड्यूलेशन कह सकते हैं। द रॉकस्टार थ्राइव्ड ऑन द एड्यूलेशन ऑफ ग्रुपीज एंड यस मैन। मतलब जो रॉकस्टार था वो मस्के पे जीता था अपने ग्रुपीज और यस मैन के। Adulate is a verb form. Adulterate, it's a verb form. It means make impure by adding inferior or tainted substance. अब जैसे कोई भी चावल या दाल जो होती है, कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें पत्थर के थोड़े थोड़े से टुकड़े डाल दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी को इन्फीरियर बनाया जाता है, उसको एडल्टरेट किया जाता है। या फिर जब दूध में पानी डाल देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि they have adulterated milk, right? तो मतलब adulterate मतलब जब impure कर देते हैं या फिर quality को कम कर देते हैं। It is a crime to adulterate foods without informing the buyer. When consumers learned that Beechnut had adulterated their apple juice by mixing it with water, they protested vigorously. Advent, it's a noun form, it means arrival. कोई चीज़ के आने को, किसी चीज़ के arrival को कहते हैं advent. जैसे कि द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड हैज़ चेंज एवरीथिंग। मतलब टेक्नोलॉजी के आने से आज की दुनिया में सब कुछ चेंज हो गया है। मोस्ट अमेरिकन्स वर अनअवेयर ऑफ द एडवेंट ऑफ द न्यूक्लियर एज अनटिल द न्यूज़ ऑफ हिरोशिमा रीच देम। मतलब उनको न्यूक्लियर एज कोई चीज़ है इसका पता ही नहीं था, उनको पता चला कि न्यूक्लियर एज आ चुकी है जब उन्होंने हिरोशिमा की न्यूज़ सुनी। Adventitious, adjective form है, इसका मतलब accidental या फिर casual या फिर ऐसी चीज़ जो इत्तेफाक से हो जाए, accident से हो जाए, मतलब जो plan नहीं की थी अपने आप हो जाए, और मतलब ऐसी चीज़ जो proper नहीं है, it is casual, that means adventitious. He found this adventitious meeting with his friend extremely fortunate. अब इसमें क्या है, ये adventitious
एडवेंटिशियस मीटिंग इसमें क्या है, एक इत्तेफाक वाली मीटिंग जो प्लान नहीं की गई थी, अचानक से हो गई। उसने इस मीटिंग को पाया कि वो मीटिंग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थी। एडवर्सरी इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स ओपोनेंट, आपके जो विरोधी होते हैं या फिर जो जिनके साथ आप कंपटीशन में होते हैं वो आपके एडवर्सरी होते हैं। द यंग रेसलर स्ट्रगल्ड टू डिफीट हिज एडवर्सरी। एडवर्स एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब अनफेवरेबल या फिर हॉस्टाइल, ऐसी चीज़ जो आपका आपके आपके विरोध में हो। जैसे ऐसा जैसे आप बहुत गर्मी हो गई है, मान लीजिए 48 तक टेम्परेचर चला गया है, दैट मीन्स जो आप जो क्लाइमेट है, जो वेदर है आपका, वो एडवर्स हो चुका है। इट इज़ अनफेवरेबल, इट इज़ हॉस्टाइल, ऐसा जो आपको फेवर नहीं करता, आपको नुकसान पहुंचा रहा है एक्चुअल में, दैट इज़ एडवर्स। जैसे कि कोई एडवर्स सिचुएशन। द रिसेशन हैड अ हाईली एडवर्स इफेक्ट ऑन फादर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि जो रिसेशन था उसने फादर की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे बहुत बुरा असर डाला। ही लॉस्ट सो मच मनी दैट ही कुड नो लॉन्गर अफोर्ड द बटलर एंड अपस्टेयर्स मेड। एडवर्सिटी नाउन फॉर्म है। अब देखिए एडवर्सिटी यहाँ पे आ भी चुका है, नाउन फॉर्म है, इसका मतलब पॉवर्टी या फिर मिसफॉर्च्यून। तो जैसे एडवर्स को हम बुरे में यूज़ करते हैं कि बुरा अगर कोई असर हो तो उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। वैसे ही अगर एडवर्सिटी बोल दिया तो एडवर्सिटी हो गया कोई बहुत ही जो आ, आ, बुरी किस्मत की जो घटना हो जाती है उसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। ठीक है, कि मतलब ये एडवर्सिटी मेरे साथ हो गई या फिर किसी और के साथ हो गई। तो हम गरीबी को भी एडवर्सिटी कह सकते हैं। वी मस्ट लर्न टू मीट एडवर्सिटी ग्रेसफुली, यानी कि हम जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको ग्रेसफुली हमें मिलना चाहिए। एडवोकेसी नाउन फॉर्म है, इट मीन्स सपोर्ट। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की सपोर्ट करते हैं, जब आप उस चीज़ को किसी और के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, इसका मतलब आप उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। मतलब जो वकील, जो डिफेंडर को जो कोर्ट में बोलते हैं उनके बारे में कि वो इनोसेंट हैं, तो एक्चुअल में उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। नो थ्रेट्स कुड डिसवेड बिशप डेसमंड टूटू फ्रॉम हिज एडवोकेसी ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। मतलब एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वकालत या फिर उसकी सपोर्ट। एडवोकेट, अभी वर्ब फॉर्म आ गया एडवोकेसी का, जो मतलब सपोर्ट करता है वो एडवोकेट। ओके, जो मतलब जो एडवोकेसी करता है वो एडवोकेट। द अबॉलिशंस एडवोकेटेड, द अबॉलिशनिस्ट एडवोकेटेड फ्रीडम फॉर द स्लेव्स। नाउन फॉर्म एरी, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स नेस्ट ऑफ अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे। कोई जब बहुत बड़ा कोई पक्षी होता है जो उसका नेस्ट होता है उसको एरी कहा जाता है। जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े पक्षी जैसे कि ईगल या फिर हॉक, ये बहुत बड़े पक्षी हैं। तो और ये एक्चुअल में ये ऐसे पक्षी हैं जो दूसरों का शिकार करते हैं। तो ऐसे पक्षियों के जो नेस्ट होते हैं, जो उनके घोंसले होते हैं, उनको एरी कहते हैं। द मदर ईगल स्वूप डाउन ऑन द अनविटिंग रैबिट एंड बोर इट ऑफ टू हर एरी हाई इन द रॉकी माउंटेन्स। एस्थेटिक एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब आर्टिस्टिक। ठीक है, कोई भी चीज़ जो कला से भरपूर हो उसको हम कहते हैं कि एस्थेटिक। जैसे कि द हर बेडरूम गेव एन एस्थेटिक काइंड ऑफ अ फील, यानी कि उसके बेडरूम की ऐसी वाइब्स थी जो बहुत ही आर्टिस्टिक लग रही थी, बहुत सुंदर और बहुत ही कला पूर्वक उसका कमरा था, यानी कि वो एस्थेटिक था। डीलिंग विद और केपेबल ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीफुल, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सुंदरता की तारीफ करना जानते हैं, आप सुंदरता को अप्रिशिएट करना जानते हैं, तो इसका मतलब आप भी एस्थेटिक हैं। मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप सुंदरता को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका एडजेक्टिव है, आप एस्थेटिक हैं। द ब्यूटी ऑफ द टिफनीज स्टेन ग्लास अपील टू एस्थर्स एस्थेटिक सेंस। मतलब एस्थर की जो ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की सेंस थी उसको अपील किया टिफनी स्टेन ग्लास की ब्यूटी ने। एस्थीट नाउन फॉर्म है। एफेबल एडजेक्टिव, इसका मतलब है इजीली अप्रोचेबल, वार्मली फ्रेंडली। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान जो वार्म हो, जो फ्रेंडली हो, जो मतलब ऐसा ना हो कि मतलब ठंडा हो,
वो ठंडा बिल्कुल नहीं हो, आप उससे आराम से बात कर सकें, आप उसके साथ हंस बोल सकें, ठीक है, आप आराम से उससे कुछ भी बात कर सकें जाके बिना किसी शर्म के या डर के, तो वो इंसान एफेबल होता है। अकस्टम्ड टू कोल्ड अलूफ सुपरवाइजर्स, निकोलस वॉज अमेज्ड एट हाउ एफेबल हिज न्यू एम्प्लॉयर वॉज। अफेक्टेड एडजेक्टिव है, इसका एक्चुअल मतलब ये है कि जब आप किसी आर्टिफिशियल कोई चीज़ हो या फिर कोई प्रिटेंडेड चीज़ हो या फिर अज्यूम्ड इन ऑर्डर टू इम्प्रेस, तो वो बोलते हैं कि वो चीज़ अफेक्टेड है। ओके, जैसे आजकल ये फैड है लोगों का कि दे ट्राई टू स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट, तो मतलब क्या है कि वो उनका एक्सेंट जो है वो अफेक्टेड है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड टू स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका एक्सेंट जो है वो आर्टिफिशियल है, राइट? उन्होंने इसलिए वो एक्सेंट को यूज़ किया ताकि वो इम्प्रेस कर सकें, दैट मीन्स देयर एक्सेंट इज़ अफेक्टेड। ओके, मैनरिज्म्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं, या जैसे कि आप बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड इंसान की आप एक्टिंग कर रहे हैं, राइट, उनको प्रटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके मैनरिज्म्स भी अफेक्टेड हैं। हिज अफेक्टेड मैनरिज्म्स, हिज हार्वर्ड एक्सेंट, हिज एयर ऑफ बोर्डम, हिज यूज ऑफ ऑब्स्क्योर फॉरन वर्ड्स बग्ड अस। ही एक्टेड एज इफ ही थॉट ही वॉज टू गुड फॉर हिज ओल्ड हाई स्कूल फ्रेंड्स। अफेक्टेशन नाउन फॉर्म है। एफिडेविट नाउन फॉर्म है, इसका मतलब रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। जब आप अंडर ओथ, जब आप कसम खा के, कानून की नज़रों में कसम खा के कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, जैसे कि आप कोई भी एफिडेविट करते हैं कि मैं ये आई हेयर बाय डिक्लेयर कि ये फलाना फलाना चीज़ है और ये सच है, दैट मीन्स ये एक एफिडेविट है, आप एक रिटन स्टेटमेंट कर रहे हैं कानून की नज़रों में। ओके, द कोर्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज स्टेटमेंट अनलेस ही प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। आप एफिडेविट में झूठ नहीं बोल सकते, इट इज़ इलीगल, परजरी हो जाती है, तो एफिडेविट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कुछ झूठ नहीं कह सकते। अफिलिएशन नाउन फॉर्म है, इसका मतलब ज्वाइनिंग एसोसिएटिंग विद। जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं, जब आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, दैट मीन्स यू आर अफिलिएटेड टू दैट थिंग। ओके, आप उस चीज़ से एसोसिएटेड हैं। हिज अफिलिएशन विद द पॉलिटिकल पार्टी वॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर ही सून डिसअग्रीड विद हिज कॉलिग्स। मतलब जब वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, दैट मीन्स उसकी एफिलिएशन हो गई उस पार्टी से, लेकिन उसको धीरे धीरे करके जब वो अपने कॉलिग्स के साथ झगड़ने लगा, तो उसकी जो ड्यूरेशन थी वो शॉर्ट हो गई। एफिनिटी इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स किनशिप, यानी कि जब आप किसी चीज़ से कनेक्शन फील करते हैं, जब आप ऐसा सोचते हैं कि वो इंसान के साथ भी हो सकता है, जैसे आप किसी इंसान से मिले और आपने एकदम से फील किया कि वो इंसान आपके साथ कनेक्टेड है, उस इंसान का आपके साथ कोई कनेक्शन है, आप उसको समझ सकते हैं, वो इंसान आपको समझ सकता है, दैट मीन्स आपकी एफिनिटी है उस इंसान के साथ। ओके, आपकी एक किनशिप है, एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है। फेल्ट एन एफिनिटी विद ऑल हु सफर्ड देयर पेन्स विद हर पेन। मतलब उसे एक कनेक्शन फील हुआ होता था उन सबके साथ जो पेन में थे या फिर जो सफ़र कर रहे थे। अफर्मेशन एक नाउन फॉर्म है, इसका मतलब पॉजिटिव असर्शन कन्फर्मेशन। जब आप कुछ ऐसी चीज़ जो होती है जो आप कहते हैं कि ये ऐसा है, आप उस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं, आप पॉजिटिव असर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर अफर्मेटिंग टू दैट थिंग। ओके, मतलब जब आप कोई चीज़ कंफर्म करके बोल रहे हैं कि यस ये ऐसा है, मतलब आप अफर्मेशन हो रही है ये आपकी। ओके, सोलम प्लेज बाय वन हु रिफ्यूज टू टेक एन ओथ, ऐसा इसका ये मतलब भी हो सकता है। डिस्पाइट टॉम्स अफर्मेशन ऑफ इनोसेंस, आंट पॉली स्टिल सस्पेक्टेड ही हैड ईटन द पाई। मतलब टॉम की ये बार बार दोहराने के बाद भी कि वो बेकसूर है, आंट पॉली ने ये सस्पेक्ट किया कि उसने ही पाई खाई थी। ये आपका आखिरी वर्ड है, तो यहाँ पे 20 वर्ड्स आपके ख़त्म होते हैं आज के। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।